गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज ट्वेंटी सेकेंड ऑफ नवंबर 2023 वेडनेसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ आइए करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी आते हैं डॉलर इंडेक्स पे डॉलर इंडेक्स अभी है हंड्रेड कल जो प्राइस Movement हुआ है वो है इन बिटवीन सपोर्ट लेवल ये जो means, ये जो जोन जो जो है आपका रेड कलर का तो इस जोन इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर इसी का कल प्राइस एक्शंस में देखा गया हल्का सा कंसोलिडेशन एंड लिटिल बुलिशनेस तो अभी हमें आने वाले दिनों में ये देखना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन करके नीचे के तरफ जाते हैं प्राइस या यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं इसके लिए हमें आज कल दो तीन दिन हमें देखना पड़ेगा स्पेशली कल न्यू ईयर हॉलीडे है थैंक्स गिविंग डे के लिए तो कल ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं होगा ग्लोबली में जो आज कैसे बिहेव करते हैं वो हमें देखना है रुपी, new, going on in आपका 83 83 10 on the lower side and 83 की डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हो रहा है जीबीपी डॉलर यूरोग हो रहा है अगेंस्ट डॉलर सी एन एच हो चुका है काफी ज्यादा फिर भी डॉलर रूपी में कोई हलचल नहीं है एक ही जगह पे अटके हुए पॉसिबली यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मीन्स फुलफिल करने के लिए इसको मीन्स एक जगह पे पेस्टेन करे प्लस आल्सो मींस द इनविजिबल हैंड्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसा प्रतीत होता है कि डॉलर रुपये को एक नैरो रेंज के अंदर में लेके रख दे ताकि ट्रेडर्स आर बिकमिंग हेबीचुएटेड टू तो ट्रेड विद इन ए नैरो रेंज रादर देन द वोलैटिलिटी जीबीपी डॉलर कल एक अच्छा खासा अप मूव देखा गया है इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2495 एंड 1.2559 सो तो करीबन 60 पॉइंट्स का एक अपवर्ड मूवमेंट देखा गया है यहाँ पे बायस जो है वो है बाई डिप्स का बाया हमें इंतजार करना पड़ेगा इमिडियट जो मेजर रेजिस्टेंस हो सकते है, वो है आपका वन पॉइंट से के बीच में जीबीपी आई एन आर सिमिलरली कल यहाँ पे एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट हम हमने देखे है अपवर्ड मूवमेंट हमने यहाँ पे देखा है

रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करने का काम किया कल एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0965 एंड 1.0899 65 66 पिप्स का एक रेंज था सो so, पे हमें देखना है कि प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं या प्राइस डैमेज होते हैं कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है ये एनर्जी गेन कर रहा है रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए और डैमेज करते हैं है प्राइस को इसका मतलब क्या है थोड़ा सा नीचे की तरफ आने का प्रयास करेंगे सो so, आज या फ्राइडे को हम क्या देखते हैं वो देखना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे कॉन्सोलीट कर रहे हैं या डैमेज हो रहा है या प्राइस रिट्रेस हो रहा है यूरो आयनर यूरो आयनर जो है आपका सिमिलरली ये जो रेजिस्टेंस जोन था कौन सा नाइनटी वन पॉइंट थ्री जीरो ऑन द हायर साइड एंड नाइनटी पॉइंट एट जीरो ऑन द लोअर साइड सो ये सिक्सटी पिप्स का एक रेंज कल फॉर्म हुआ है एंड एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है सिमिलर एनालिसिस हमें देखना है ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास प्राइस क्या कंसोलिडेट करके उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहे हैं या थोड़ा सा रिट्रेस कर रहे हैं रिट्रेस करेगा तो अगेन 90.20 से 90.40 एक सपोर्ट लेवल एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं डॉलर येन डॉलर येन में कल एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव हमने देखे थे इट ट्रेडेड हाई ऑफ 148.59 एंड लो ऑफ 147.15 147.15 में रेंज बनाने के बाद फिर ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया एक पिन बार या पिन बार ही बोलेंगे पिन बार कैंडल बनाया हुआ है शर्प रिजेक्शन एट द लोअर लेवल्स यहां पे देखने वाला बात क्या है मंथली आरएसआई अबव 60 वीकली आरएसआई एट 60 डेली आरएसआई एट 40 सो यहां पे अगर प्राइस एक पॉजिटिव फॉर्म करते हैं यानी समथिंग लाइक दिस एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर ऊपर जाते हैं सो इट इज गोइंग टू बी ए गुड बाइंग एरिया सो यहाँ पे मैं आप अगर मेरे को पूछोगे तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कन्फ्यूज हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 146.4050 के तरफ ये मूव करना चाहिए कल नीचे भी आया था 147.15 तक लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ स्पेशली द यूएस मार्केट में ये पूरा का पूरा रिट्रेस कर चुका है कल का जितना भी डैमेज था पूरा डैमेज को रिट्रेस की रिकवर कर गया था सो एंड प्राइस के हिसाब से यहाँ पे एक अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने का प्रयास करते हैं तो आने वाले दिनों में एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो so, आरएसए के हिसाब से इट्स बाइंग जोन लेकिन चाहिए. Overall, जो प्रोस्पेक्ट है वहां एक्टिविटीज दिख रहे हैं so, यहाँ पे हमें क्लैरिटी चाहिए क्या ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है या दोबारा नीचे की तरफ आने का प्रयास करते हैं इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा अभी आते हैं जेपी वाई आयर जेपी वाई में भी एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है आपका 56 58 एंड 5607 सो so, करीबन 50 पिप का एक 50 पैसे का एक रेंज बनाया हुआ है लेकिन ये एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है आरएसआई एट 60 रेजिस्टेंस सो so, ये पिन बार के लो के नीचे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एंड पिन बार के अगर ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं इन सच केस एक जबरदस्त अपवर्ड ट्रस्ट हमें मिल सकता है सो so, हमें देखना है कि क्या हो रहा है प्राइस में डॉलर कैंडी 1.3704 कंसोलिडेशन जारी है 1.3640 एंड 1.3660 ऑन द लोअर साइड एंड आपका 1.38 एंड 1.3850 ऑन द हाइट साइड इसी जोन के अंदर में डॉलर कैंडी मूव कर रहा है कंसोलिडेट हो रहा है आरएसआई के हिसाब से भी साइडवेज कंसोलिडेशन ही

सेल ऑफ देखा गया मीन सी एन एच में देखा गया. And यहां पे basically आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक आपका सपोर्ट जोन बन रहा बना हुआ है इस सपोर्ट जोन में क्या प्राइस सपोर्ट करके ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं या इसको डैमेज करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास होना चाहिए ब्रेंड क्रूड का जो फ्यूचर है 83.04 कल एक छोटा सा स्मॉल बॉडी नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ था बट प्राइस एट द लोअर एंड इसका मतलब क्या है कल के हाई के ऊपर एक ऊपर की तरफ फॉलो थ्रो हम देख सकते हैं फॉलो थ्रो देखेंगे भी तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस हो सकता है 84.10 से 84.30 के बीच यूएस टेन ईयर ट्रेजरी फोर पॉइंट 4.40 सो so, कल एक हल्का सा छोटा एक स्मॉल बॉडी नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है अभी आर एस आई एट फोर्टी सो हमें देखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करते हैं एंड उसके बाद ऊपर जाने का प्रयास करता हैं अगर ऊपर जाने का प्रयास करते हैं तो 55 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेने का पॉसिबिलिटीज है यूएस टू ईयर ट्रेजरी यहाँ पे एक कल परसों बाउंस बैक करने के बाद परसों एंड उसके पहले 17 फ्राइडे को बाउंस बैक करने का मतलब कल एक थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन आया है भाई यहाँ पे एक नेगेटिव मींस एक जोन बना चुका है ये जोन बिकम्स एन इम्पोर्टेंट अभी इस जोन को किस तरफ क्लियर करते हैं आने वाले दिनों में इसको हमें देखना है क्या ये ऊपर की तरफ क्लियर करते हैं इन सच अ केस आपका

सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू एंड बाय बाय